हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोमेनक्लेचर में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव या एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एज यूजुअल आपके सामने मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको कम से कम 10 या 11 कंपाउंड को एज ए बेस कंपाउंड जानना है और फर्दर फिर आपको आगे क्वेश्चंस में रूल अप्लाई करके उसको प्रोसीड करना है। तो बेंजीन दरअसल है क्या कि बेंजीन 6 मेंबर्ड कार्बन एटम का साइक्लिक कंपाउंड है विथ सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड। यानी देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बेंजीन दरअसल है क्या। तो आपने इससे पहले जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा, ये बिल्कुल उसी तरह से साइक्लिक में 6 कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कार्बन एटम विथ सिंगल डबल अल्टरनेट, कहीं से भी शुरू कीजिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसी को बेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, बार बार सिंगल डबल ना देने के लिए, अंदर में सर्कल बना देते हैं, या किसी किसी किताब में आप ऐसे भी देखेंगे कि डॉट 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 सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों रिप्रेजेंटेशन सही है और तीनों का सिर्फ एक नाम है, बेंजीन। इसके लिए ना आपको साइक्लिक लिखना है, ना आपको हेक्स का टर्म रूट वर्ड यूज़ करना है। ये कम्प्लीटली आईयूपैक के द्वारा एक्सेप्टेड है। किस नाम से? बेंजीन के नाम से। तो सबसे पहला जो बेस कंपाउंड यहाँ पास आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है बेंजीन, नथिंग एल्स, ओनली बेंजीन। उसी तरह से बेंजीन में जब CH3 जुड़ गया तो एक ये क्या हो गया आपका? साइड चेन हो गया। अब ये साइड चेन जो हो गया, तो इसको साइड चेन के तौर पर आप क्या लिखेंगे? इसको साइड चेन के तौर पर आप लिखेंगे मिथाइल। एक जगह पे साइड चेन आता है तो इसका पोजीशन जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। और इस रिंग के लिए डायरेक्टली आप क्या यूज करेंगे? बेंजीन। लेकिन आईयूपैक ने इसके एक और नेम को भी एक्सेप्ट किया है, वो भी यूज होता है, वो भी आपको जानना चाहिए। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है टॉल्यूइन, विच इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ क्लोरो है साइड चेन के तौर पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो। और रिंग के लिए क्या यूज करेंगे आप? बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। OCH3 ये भी आपका साइड चेन के तौर पर, याद कीजिए क्या है OCH3? मिथ, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो मिथॉक्सी हो गया। तो ये क्या है आपका? ये है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और रिंग के लिए क्या यूज करेंगे आप? बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक और नेम भी है जिसको आज UPSC ने एक्सेप्ट किया है, वो क्या है? इसको हम लोग एनिजॉल भी बोलते हैं, एनिजॉल। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना होगा ताकि बेस कंपाउंड को आगे में आप यूज भी कर सकें। बेंजीन रिंग में जब OH लग जाता है तो उसका बस एक सिंगल नेम है और वो क्या है? फेनॉल, नथिंग एल्स, ओनली फेनॉल। NH2 जब लग गया ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे? पहले तो बेंजीन जो इसका पैरेंट नेम है वो लिखेंगे बेंजीन, और इस NH2 ग्रुप का क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप में? अमाइन। अमाइन चूँकि A से स्टार्ट हो रहा है, वॉबल है, इसलिए इसका E ड्रॉप हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। IUPAC ने इसको एक और नेम भी दिया है और वो भी एक्सेप्टेड है, और वो क्या है? एनिलीन। देखिए, ये सब आपको याद करने होंगे, जैसे ये एनिलीन है, ये एनिजॉल है, ये टॉल्यूइन है, ये आपको याद करने होंगे। बेंजीन रिंग में जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जैसे COOH, CHO आपको याद होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल एंड अमाइड। तो ये जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में आएंगे तो इनका फुल नेम लिखना है, लेकिन कुछ कुछ के शॉर्ट नेम भी यूज़ किए गए हैं जो IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर दो बार आ जाए तो आपको इसका फुल नेम ही से काम चलाना पड़ेगा, जैसे बेंजीन में COOH। तो इसको दो तरह से कैसे लिखा गया? एक आप तो पैरेंट चेन के तौर पर ये बेंजीन रिंग है तो ये यूज़ करेंगे बेंजीन, और इसके लिए आप क्या लिखेंगे COOH के लिए? फुल नेम क्या था इसका? फुल नेम याद कीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बट
IUPAC ने शॉर्टली इसका नेम यूज किया है डायरेक्टली, क्या बेंजोइक एसिड, दोनों सही हैं, बेंजोइक एसिड ये दोनों एक्सेप्टेड है, सही है। उसी तरह से इसका नाम, तो इसके नाम में भी उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, बेंजीन जो पैरेंट चेन के रिंग का नेम है, ये क्या है आपका बेंजीन, बेंजीन और CHO के लिए क्या लिखेंगे कार्बलडिहाइड, क्या लिखेंगे कार्बलडिहाइड, बट IUPAC ने इसको एक्सेप्ट किया है शॉर्ट नेम में भी डायरेक्टली, क्या है वो बेंजलडिहाइड, ये आपको याद करने होंगे। उसी तरह से कुछ और बेस कंपाउंड है, एटलीस्ट 10 बेस कंपाउंड आपको याद करने हैं। बेंजीन में क्या जुटा हुआ है, साइनाइड ग्रुप जुटा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन, और इसके लिए IUPAC में जो आपको फुल नेम लिखना है क्या है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, और इसका शॉर्ट नेम नहीं है, बिल्कुल इसी फॉर्म पे आपको इसको यूज़ करना होगा। उसी तरह से CONH2 में देखिए इसको क्या लिखेंगे आप बेंजीन, इसका फुल नेम बोलिए, सब आपको पिछले इसमें बता दिया गया है, फुल नेम सब याद कीजिए कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, बट इसका एक और नेम भी IUPAC ने यूज़ किया है शॉर्टली, वो क्या है बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो इतने बेस कंपाउंड आपको याद होने चाहिए, तब आप आगे के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकेंगे। कोई नया नियम इसमें नहीं लगने वाला है, सारे पुराने नियम, सिर्फ इस रिंग के लिए आपको पैरेंट चेन के तौर पर बेंजीन का वर्ड यूज़ करना है। आप देखिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दो बार आ गया, तो एक बार में तो शॉर्ट नेम चल जाता है बेंजोइक एसिड, लेकिन जब दो बार आएगा तो आप शॉर्टली इसको ओइक फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं, हर हालत में फुल नेम लिखना होगा विथ पोजीशन 1, 2 एंड 3, ये 1 पर है और 3 पर है। तो पहले पैरेंट चेन के तौर पर जो बेंजीन है उसका नेम लिखेंगे आप बेंजीन, पैरेंट चेन के तौर पर फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखते हैं, पोजीशन बताइए 1 पर है और 3 पर, बोलिए 1, 3। देखिए पैरेंट चेन के तौर पर बेंजीन, फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लास्टली में 1 पर और 3 पर, 1, 3 टू टाइम्स के लिए क्या लिखेंगे डाई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ओइक एसिड जोड़ देते हैं, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट, ओइक एसिड इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसमें क्या यूज़ करेंगे आप डाई के बाद इसका फुल नेम, टर्मिनल है फुल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम टू सेम यहाँ है, पोजिशन आप गिन लें या अप्लाई करके लिख लें 1, 2, 3 एंड 4, 1 पर और 4 पर CHO एंड CHO, इसको कार्बन की बॉन्ड की तरफ से पढ़ना है, इंग्लिश की तरफ से OHC नहीं पढ़ना, ये कार्बन CHO, ये भी CHOaldehyde, तो पोजीशन 1 पर और 4 पर है, तो पैरेंट चेन में बेंजीन के लिए बेंजीन रिंग आ गया बेंजीन, पोजीशन बोलिए फंक्शनल ग्रुप का 1, 4, टू टाइम्स के लिए क्या लिखेंगे डाई, इसका फुल नेम क्या है वेरी गुड कार्बलडिहाइड, कार्बलडिहाइड। उसी तरह से यहाँ देखिए अब दो बार साइड चेन आ गया, दोनों सेम टू सेम है, काउंटिंग किसी भी तरफ से लगाइए। इंपॉर्टेंट बात क्या बताया गया था आपको साइक्लिक वाले में, रोटेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड चेन नज़दीक से नज़दीक आए, तो आप दोनों में से किसी को भी बंद दीजिए। रोटेट कैसे करेंगे हम, अगर ये इसको बंद दिया तो ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी एंटी क्लॉक वाइज 1, 2, 3, तो 1 और 3 पर दोनों सेम साइड चेन है, पोजिशन डालेंगे इकट्ठे लिख देंगे, साइड चेन आया तो पहले साइड चेन को लिखना है, क्या होगा बोलिए 1, 3 टू टाइम्स के लिए डाई मिथाइल, 1 पर और 3 पर टू टाइम्स डाई, क्या है CH3 मिथाइल, रिंग बचा, रिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे बेंजीन, वेरी सिंपल क्राइटेरिया, कोई अलग से नया रूल नहीं पढ़ना आपको, जो पढ़ चुके हैं वही। यहाँ भी देखिए दो साइड चेन है, दोनों डिफरेंट है, तो आप चाहे तो इसको बंद दें चाहे तो इसको बंद दें, तो यहाँ अल्फ़ाबेट को प्रोसीड करेंगे, और अल्फ़ाबेट ब्रोमो का बी है, इथाइल का ई है, तो ब्रोमो का बी लीड किया 1, 2, 3, नीचे रोटेट करके जाएंगे ताकि नज़दीक से नज़दीक आए, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना शुरू कीजिए, बोलिए 1, ब्रोमो 1, ब्रोमो 3, इथाइल, दोनों साइड चेन हट गया, सीधा रिंग भी आइए, बोलिए रिंग का नाम क्या है वेरी गुड बेंजीन, रिंग का नाम क्या है बेंजीन, बहुत ही आसान क्राइटेरिया है, इसको अपने से कोशिश कीजिए। इसमें भी प्रोसीड इस तरह से करना है कि रोटेशन नज़दीक से नज़दीक आए, देखिए अगर आप इसको देंगे 1 ऊपर जाने पे ये फौरन मिल जाएगा 2 फिर इधर 3 एंड ये 4,
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर हम ब्रोमो को वन देते, सपोज़ कर लीजिए कि अगर ऐसे आप सोच रहे हैं ब्रोमो को वन दें, इसको टू दें, तब तो आप कहिएगा कि ये ज़्यादा नज़दीक भी हुआ और अल्फ़ाबेट भी हुआ। लेकिन जो दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं, इसका पोजिशन देखिए, जाने में दूर पड़ जाएगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो किस किस नंबर पर आता, ग्रीन वाले को ध्यान दीजिएगा, किस किस नंबर पर आता, वन पर आता, टू पर आता और फाइव पर आता। आप ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा, एट। लेकिन आपने अगर रेड वाले को जोड़ा है तो रेड में देखिए वन पर है, टू पर है और कहाँ पे है, फोर पर है। कितने पे आया, सेवन। इसलिए ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ये एक तरीका आपको हमने बतला दिया था, उससे आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये जो रेड वाली काउंटिंग आप देख रहे हैं, रेड वाली काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर जाके मूव किए हैं, और ग्रीन वाली काउंटिंग में हम लोग किधर आए हैं, ग्रीन वाली काउंटिंग में हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रोमो से नीचे की तरफ प्रोसीड किए हैं। तो अब तय हो गया, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना शुरू कीजिए। पहले अल्फ़ाबेट में किसको लिखेंगे आप, रेड वाली काउंटिंग आपकी सही काउंटिंग है इसलिए उसी को प्रोसीड किया गया है। तो रेड वाले के हिसाब से ब्रोमो का अल्फ़ाबेट पहले पड़ेगा, इसको हम लोग टू पर है लिखेंगे, टू ब्रोमो। फिर क्लोरो का सी आ रहा है फोर नंबर पर, फोर क्लोरो। फिर मिथाइल का वन पोजिशन पर, रेड वाली काउंटिंग पर ध्यान देंगे आप, वन वाले पर है, वन मिथाइल, वन मिथाइल। और अब रिंग जो बचा है इसके लिए क्या लिखेंगे आप, बेंजीन। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है साइड चेन में, ये फंक्शनल ग्रुप भी है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको रैंक ऑर्डर बता दिया गया है, रैंक ऑर्डर में सी डबल ओ एस से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों क्या हैं आपके, साइड चेन। इसका साइड चेन मिथाइल एम से, ये साइड चेन में हाइड्रोक्सी एच से। तो अब बोलिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से हाइड्रोक्सी का एच पहले लिखाएगा, और फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग तो यहीं से लगेगी। तो ये क्या हो गया आपका, वन। राइट रोटेट करने में नज़दीक पड़ेगा, टू थ्री एंड फोर। तो ये थ्री पर आ गया क्या, थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रोक्सी। फोर पर साइड चेन का नाम बोलिए, वेरी गुड, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। और इस पूरे रिंग में सी डब्लू एच ऐड है। अब यहाँ पे आपको बेस कंपाउंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए तो पूरे रिंग में जब सी डब्लू एच अटैच्ड हो तो हम लोग इसको शॉर्टली में क्या लिख रहे हैं, बेंजोइक एसिड एक्सेप्टेड है ये नेम। तो डायरेक्टली आप इसमें क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे बेंजोइक एसिड। बात समझ गए, दोनों साइड चेन हटाया, रिंग में सी डब्लू एच के लिए डायरेक्टली आपके पास नेम मौजूद है, ये याद होना चाहिए, बेंजोइक एसिड। यहाँ भी बिल्कुल सेम कंडीशन, सी डबल ओ एच एज ए फंक्शन ग्रुप है जो रैंक में ऊपर पड़ेगा, इसको प्रेफरेंस मिला, वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है लेकिन उससे नीचे है, इसलिए साइड चेन बनेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अमीनो का ए और हाइड्रोक्सी का एच। अमीनो का ए को पहले लिखेंगे हम लोग, ये टू पर पड़ गया था तुरंत, इसीलिए इधर से रोटेट किया है, लिखने में अल्फ़ाबेट फॉलो हुआ। अमीनो का एक किस नंबर पर आया, फोर। क्या लिखेंगे, फोर अमीनो, टू। बिफोर एन ओ एच के लिए साइड चेन ऊपर लिख चुके हैं आप, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और रिंग में सी एच ओ है, रिंग में क्या है, देखिए सी एच ओ है, क्या नाम लिख सकते हैं डायरेक्टली, बेंजल डिहाइड। क्या है, बेंजल डिहाइड। बात समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। ये बहुत आता है एग्ज़ाम में, खास के अपने कॉमन नेम से। तो देखिए ये पोजीशन में यहाँ दिया, वन, इधर जाइए, इधर जाइए, सब तरफ इक्वल है, टू थ्री फोर एंड फाइव। अब ये जो बेंजीन में सी एच थ्री अटैच्ड है, देखिए ऊपर, तो बेंजीन में सी एच थ्री अटैच्ड है, इसको क्या लिखा है, टॉल्यूइन। बेस कंपाउंड में इसको हम लोग टॉल्यून लिख सकते हैं। तो NO2, NO2, NO2 जो तीन जगह आप देख रहे हैं, ये तीनों का तीनों जगह पे जो आया, ये किस फॉर्म पर यूज़ होगा, ये यूज़ होगा साइड चेन के तौर पर। काउंटिंग को सही कीजिए, वन टू थ्री फोर, ये है फाइव, ये है सिक्स। तो ये टू पर है, फोर पर है और सिक्स पर है। तो इसका साइड चेन का नेम क्या हुआ, टू फोर सिक्स, थ्री जगह है तो ट्राई, एक जैसा है, साथ इकट्ठे हट गया नाइट्रो। अब बेंजीन में क्या अटैच है, सी एच थ्री। बेंजीन में जब सी एच थ्री अटैच है तो उसका डायरेक्टली नेम क्या है,
टॉल्यूइन, क्या है टॉल्यूइन, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट नेम है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। ये एक एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्लोजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए एग्जाम में बहुत आता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए और इसके नेमिंग के लिए भी। अब एक नया क्राइटेरिया यहाँ से स्टार्ट है, इसको ध्यान दीजिए, अगर बेंजीन रिंग में स्ट्रेट चेन के साथ कार्बन एटम अटैच्ड हो इस तरह से कि स्ट्रेट चेन वाले में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि साइक्लिक में था, तो अगर उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होंगे तो ये स्ट्रेट चेन वाला, चाहे चेन लेंथ छोटा हो या बड़ा हो, वही बनेगा पैरेंट चेन और बेंजीन वाला हो जाएगा साइड चेन। और बेंजीन एज ए साइड चेन क्या कहलाता है, फेनाइल, बता चुके हैं आपको, फेनाइल हो जाएगा ये कब, अगर इधर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे चेन लेंथ छोटा हो या बड़ा, इसमें चूंकि डबल बॉन्ड था इसलिए अब ये क्या हो गया आपका पैरेंट चेन, और ये बेंजीन रिंग जो आपका है, ये बेंजीन रिंग वाला क्या बन गया साइड चेन। काउंटिंग लगाएंगे हम लोग यहाँ वाले कार्बन से काउंटिंग लगाएंगे तो आपका डबल बॉन्ड भी वन पर पड़ेगा और ये भी आपका वन पर आ जाएगा, तो ज़्यादा बेटर है। तो वन पर क्या हुआ ये बोलिए, साइड चेन को पहले लिखिए, वन पर फेनाइल, वन पर फेनाइल, और दो कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, वन टू के बीच है, इसलिए काउंटिंग का देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिए OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, अब इसमें चूंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया इसलिए यही हर हालत में क्या बनेगा पैरेंट चेन, क्या बनेगा पैरेंट चेन। बेंजीन रिंग क्या हो गया साइड चेन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से काउंटिंग में क्या है टू पर है, तो लेफ्ट से काउंटिंग लगाने पे फायदा क्या होगा, ये तो टू का टू ही पे रहेगा, ये साइड चेन भी नज़दीक आ जाएगा इसलिए लेफ्ट साइड से काउंटिंग लगेगी, वन टू थ्री, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, तो वन पर साइड चेन का नाम बोलिए, उसी तरह से बिल्कुल वन फेनाइल, तीन कार्बन एटम के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल टर्मिनल नहीं है इसलिए अल्कोहल का पोजिशन लिखना होगा, अल्कोहल का पोजिशन क्या है टू, तो टू अल्कोहल के लिए ऑल, समझ गए सारे पुराने नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका जब फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को प्रेफरेंस मिलेगा इसलिए ये क्या बन गया आपका पैरेंट चेन। अब ये पैरेंट चेन नज़दीक किधर से है, लेफ्ट साइड से ज़्यादा नज़दीक है तो लेफ्ट से काउंटिंग लग गई, वन टू थ्री फोर, एक साइड चेन यहाँ है ब्रोमो का बी और बेंजीन इसमें साइड चेन के तौर पर आया, तो बेंजीन का साइड चेन फेनाइल पी से है और जो ब्रोमो बी से है तो अल्फाबेट में बी पहले आएगा, इसको पहले लिखेंगे आप, थ्री नंबर पर है तो क्या हो जाएगा बोलिए, थ्री ब्रोमो वन फेनाइल, वन फेनाइल लिखने में हमेशा अल्फाबेट फॉलो किया जाता है, थ्री ब्रोमो वन फेनाइल, लॉन्गेस्ट चेन में फोर कार्बन एटम ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, कीटोन की पहचान बता चुके हैं, सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन होता है, यहाँ भी वैसे ही है तो कीटोन टर्मिनल नहीं है, पोजीशन देना होगा किस नंबर पर है टू, और कीटोन के लिए ऊन, वॉबल है इसलिए इसका ड्रॉप हो गया, ये सब बात आप एज इट इज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए यही बन जाएगा आपका पी सी पैरेंट चेन, ये हो गया साइड चेन, वन नंबर पर है वन फेनाइल, साइड चेन ख़त्म, दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और ये कीटोन है इसलिए क्या लिखेंगे आप इसको वन ओन, इसको हम लोग इथेनोन या इथेन वन ओन भी लिख सकते हैं, यहाँ एक ही कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का और यही बनेगा आपका पैरेंट चेन, और दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ है आपको साइड चेन का क्राइटेरिया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग वन वन, दो बार के लिए डाई फेनाइल, साइड चेन में डाई फेनाइल, और एक कार्बन के लिए मिथेन, और कीटोन है तो ओन जोड़ देंगे लास्ट में हम लोग। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और इसका नाम लिख देते हैं बेंजोफेनोन, इट इज़ रॉन्ग कंसेप्ट, ये होगा आपका पैरेंट चेन का क्राइटेरिया मिथेनोन, और ये दोनों जाएगा साइड चेन में, याद रखें IUPAC के अंतर्गत। बेंजोफेनोन कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप है ये इसलिए ये क्या बन जाएगा पी सी पैरेंट चेन, ये हो जाएगा साइड चेन। अब आपको याद होगा साइड चेन को पहले लिख के हटाना है बट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही प्रेफरेंस देंगे इसलिए ये वन टू, इस बार किस पर आ गया ये टू पर आया तो ये हो गया टू फेनाइल, टू फेनाइल, दो कार्बन के लिए इथेन, और ये एल्डिहाइड है तो जो एल्डिहाइड है तो उसके लिए सीधा क्या लग जाएगा अल,
टर्मिनल है इसलिए पोजीशन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए स्ट्रेट चेन के साथ अटैच्ड 6 कार्बन CH2 में रिपीट हुआ है तो 6 इसका, एक ये 7 और एक 8, स्ट्रेट चेन में 8 कार्बन और ये बेंजीन रिंग में 6 कार्बन। इस बार भी बेंजीन रिंग क्या है, साइड चेन है और ये पैरेंट चेन है। तो अब काउंटिंग इधर से 1 हो जाएगा तो ये हो गया 1 पर फेनाइल और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है एन। नेक्स्ट में ये साइक्लोहेक्साइल साइड चेन है, साइक्लोहेक्सेन है ये साइड चेन और बेंजीन रिंग पैरेंट चेन। तो ये 1 नंबर पर हर हालत में पड़ेगा। एक जगह पे जब क्लोज चेन में ब्रांचिंग आता है तो उसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो सीधा इसके लिए क्या लिख देंगे आप बोलिए, इसका नेम क्या है, साइक्लो क्लोज चेन के लिए 6 कार्बन का है इसलिए हेक्स, साइड चेन में है इसलिए वायर, साइक्लोहेक्साइल और इसके लिए बेंजीन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बेंजीन एज इट इज। यहाँ देखिए ये बिल्कुल इसी क्राइटेरिया का है जैसे कि इधर हमने आपको दे दिया है, बेंजीन कोई फंक्शन ग्रुप, बेंजीन कोई फंक्शन ग्रुप, बेंजीन कोई फंक्शन ग्रुप। तो पहले किसको लिखेंगे आप, बेंजीन रिंग को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, बेंजीन। अब लास्ट में फंक्शन ग्रुप, इसका नाम याद होना चाहिए आपको, IUPAC के फंक्शन ग्रुप के क्राइटेरिया में इसका नाम आपको बताया गया है, सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है और ये तीनों का तीनों क्या है, साइड चेन। पोजीशन लगाइए फंक्शन को प्रेफरेंस देते हुए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ बताया गया था, यहाँ CH3 था यहाँ OH है, बस यही फर्क है। सारे के सारे साइड चेन एक जैसे हैं, उनको लिख के हटाइए इकट्ठा, 2, 4, 6 तीन जगह है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या नाम है NO2 का, नाइट्रो। ध्यान से देखें और सुने, एक एक स्टेप में हम रूल को रिपीट करते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो सुन के याद हो जाए, ट्राई नाइट्रो 2, 4, 6 तीन जगह पे था तो ट्राई NO2 के लिए नाइट्रो। अब बेंजीन में OH जुटा हुआ है तो देखिए बेंजीन में जब OH जुटा रहता है तो उसका डायरेक्टली नेम क्या है, फेनॉल, एक नाम सिंगली क्या है, फेनॉल बस। तो ये क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है, बहुत ही आसान है एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग को लिखना। अब इसमें कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हैलोजन को हो स्ट्रेट चेन में अगर लगा दिया जाए तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लें। सपोज़ कर लीजिए कि यह है आपका एरोमेटिक रिंग और इसमें CH2 ब्रोमीन क्लोरीन हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर अटैच कर दिया जाए तो एक क्राइटेरिया जो कन्फ्यूज़न में क्रिएट करने में हो जाता है, इसको अगर आप साइड चेन लेंगे तो ये आपका कम्प्लेक्स नेमिंग हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये साइड चेन नहीं बनता है, ये बनता है पैरेंट चेन और बेंजीन रिंग वाला, और ये तो आपका जो साइड चेन है सो है, यानी दिस इज योर पैरेंट चेन और ये हैलोजन डेरिवेटिव्स वाले में ये वाला जो क्राइटेरिया होगा ये बनेगा पैरेंट चेन बेंजीन और ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड चेन। अब इसकी काउंटिंग लगाइए और लिखिए, तो काउंटिंग में तो ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, तो अल्फ़ाबेट फॉलो हुआ, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ब्रोमो का बी और यहाँ फेनाइल का पी, तो इस बी को प्रोसीड करेंगे, इधर से काउंटिंग हुई 1, 2, 3 तो नेमिंग इसका क्या हो जाएगा बोलिए, 1 ब्रोमो 3 फेनाइल 3 बेंजीन के लिए साइड चेन में फेनाइल, स्ट्रेट चेन के लिए 3 कार्बन में प्रॉप सिंगल बॉन्ड है क्या लिखेंगे, एन। क्या लिखेंगे, एन। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सपोज कर लीजिए यह है आपका बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में CH2 CH CH2 CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह से है, तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो ये बन जाएगा आपका पैरेंट चेन और ये बन जाएगा आपका साइड चेन। तो ये किस जगह से नज़दीक है चेक कीजिए, 1, 2, 3 लेफ्ट से भी चेक करेंगे तो 1, 2, 3 दोनों इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये तो पोजिशन में चेंज होगा नहीं, तो इसको भी नज़दीक आने की कोशिश करना है,
इसलिए लेफ्ट वार्ड वाली काउंटिंग को राइट मानेंगे और इधर से प्रोसीड करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये क्या हो गया 5। अब इसका साइड चेन में नाम लिखिए 1 फेनाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, कीटोन टर्मिनल नहीं है पोजिशन देंगे 3 और कीटोन के लिए ओन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखा। नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।